गोवा वाले बीच पे दारू पियेंगे फोटो खींच के। अस्तरे गिर गया है लड़कियों करी, हाँ हाँ आंखें मीच के, ये ससुरी कम रहती है, बाप देख लेगा फोटो खींच के सब आके थूरे गया यार। डिस्क्लेमर भी ऐसे ये कहाँ टाल रहा है, बाहर गया तो तैयार होके आया दिखाने के लिए, बाद में आ रहा है, तनी सा गोर है, सोचा काला पहन लेंगे तो भभक जाएंगे। हाँ अरे बाबू रे बाबू, ये सब हमको हमको बेवकूफ समझता है सर। अरे एससी वाला तो ऐसा ही गोर होता है, लड़का लड़की जिस दिन बढ़िया कपड़ा पहन के आएगा उस दिन लेट से आता है। अच्छा और अटेंशन ये क्या चीज है, है? आइए, छोटा सा जगह चारों ओर से गिर गया, बड़ा हो गया तो इंग्लिश में इसे आइलैंड, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इसे आइए क्या हो गया पेनिनसुला कहेंगे, प्रायद्वीप, दोनों में अंतर नहीं, बस किसका अंतर है साइज का, पेनिनसुला समझ में आ गया इसे, कोई दिक्कत। आप लोग की जब शादी ब्याह होगी ना तो जो आपकी दुल्हन आएगी वो क्या रहेगी, अंतरीप, शादी के 4 साल बाद वो क्या बन जाएगी। बुरी तो नहीं है, 4 से 5 साल के अंदर पता नहीं का क्षेत्रफल विस्तार कर लेंगे, समझ आ गया कि नहीं, ये बेचारा टेंशन में हो गया एकदम, अपने बेचारा दुबला पतला ऐसे दोनों एकदम टेंशन में हो गया जा। अरे बड़ी गड़बड़ होता है जी शादी में, देखेंगे ना साइकिल के चक्का की तरह आएगी, ट्रैक्टर के चक्का हो जाएगा। आप आंसर समझ में आ गया, आप लोग को एग्जांपल समझ में सीधा हुआ बहुत अच्छे से। गाना भी है तुझे अच्छा बीच घुमा दूंगा चलती क्या, चाचा के गाने है ना, नहीं सुने हैं बहुत बॉलीवुड में, बॉलीवुड का है यहां पर नया गाना है गोवा वाले बीच बीच कैंडोलिन बीच बाघा बीच, ये गोवा का प्रमुख बीच है सर, मरियाना बीच चेन्नई का बहुत अच्छा वो टॉपिक भी वैसा है, चौपाटी बीच मुंबई के प्रमुख बीच है, बीच को क्या कहते हैं पुलीन का, ठीक है कोई दिक्कत है, देखो लाइव वाला भी सब जान रहा है सर, लिख रहा है सब गोवा वाले बीच पे। आजकल गाना का ना कोई मतलब ही नहीं रह गया है, गाना कर रहा है गोवा वाले बीच पे दारू पियेंगे फोटो खींच के, गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें ऐसे कुछ लड़कियों करी, हाँ हाँ आंखें मीच के, हाँ आंखें मीच के, मैं कंफर्म कर लूं कम रहती थे, बाप देख लेगा फोटो खींच के सब आके थूरे गया यार, अस्तर ही नहीं रह गया है गाना का। और हम लोग का समय जब गाना होता तो 1985-87 के आसपास, अच्छा इतने पुराने हैं, अरे वो गाना मतलब समझिए कि लोग रुक जाते थे काम, अगर काम से जा रहा है ना गाना सुन ले तो रुक जाता था, वो उस लोगों को सब गाना नहीं समझ में आएगा, उसे किशोर कुमार मोहम्मद रफी वगैरह, मोहम्मद रफी लेजेंड, भोजपुरी कैसा लगेगा तो भोजपुरी वाला तो और चौपट है, हिंदी गाना हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगा, भोजपुरी वाला ना भाभी के लिए गाएगा, साली के लिए गाएगा, अस्तर विहीन बर्बाद कर दिया। अगर किसी अच्छे खासे समाज में अगर भोजपुरी गाना बजा देंगे तो कोई अपने परिवार के साथ नहीं बैठ सकता है, और बिहार के लोग अपने आप को इस पे गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारा गाना है, और लड़ जाते हैं कि भोजपुरी के खिलाफ आप बोले, हद भोजपुरी जो सभ्य भाषा है वो सभ्यता को रहने दी, उसमें जो ये अश्लीलता परोस दिया जाता है खास करके होली के समय में, आप देखिएगा इतने आलतू फालतू भोजपुरी में स्पेशली गाना निकाल दिया जाएगा जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, समझ में नहीं आता अभी युवा पीढ़ियों को, लेकिन आगे जाके बहुत दुर्दशा हो जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया, क्या समुद्र का पानी वीडियो एंड गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।